एमवाई में दानदाताओं द्वारा दान देने का सिलसिला जारी है। एक परिवार ने एमवाई को 2 वेंटिलेटर मशीन दान की है। इस दौरान दौरा करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने दानदाताओं का स्वागत कर सम्मान किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमवाई के कायाकल्प के साथ ही विभिन्न संस्थाओं व निजी व्यक्तियों द्वारा एमवाई के उपकरण या नगद राशि या अन्य वस्तुएं दान में देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राधेश्याम साहू के परिवार ने 30 लाख रुपए की कीमत वाली 2 वेंटिलेटर मशीन दान में दी है। इस दौरान यहां दौरा कर रहे स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दानदाताओं का स्वागत कर सम्मान किया। और के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवा का मौका हम लोगों को मिला है, तुलसी भैया अपनी सारी आपूर्ति करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अभी यहाँ आने के बाद ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर डायलिसिस मशीन की अत्यंत आवश्यकता है, 2 मशीनों की जरूरत है और एक मशीन हमारे द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है, तुलसी भैया बाद में स्वास्थ्य मंत्री पहले बन गए अब, इसलिए कि वो भी शासन से अधिक एमवाई के लिए जो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो पीछे पर्दे के पीछे काफी किया है, अब तो फ्रंट में है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का स्वागत, आप सभी का आभार, क्योंकि आपने एक लक्ष्य जो सेवा का रखा है उसको पूर्ति करने में ये नीव का पत्थर बनेगा। जी क्या बनेगा? नीव का पत्थर। इसलिए आपका स्वागत, आभार करता हूँ। और हमारे ये 2 विभाग हैं, हमारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु दोनों मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, जो आपने पवित्र पुनीत कार्य किया है, इसके लिए आपका स्वागत, आपका आभार। एक निवेदन और, में और करना चाहूंगा और आपसे यही अनुरोध करूंगा, इसी प्रकार से आप हम लोगों को सहयोग देते रहें। गौरतलब है कि एमवाई अस्पताल में मरीजों की संख्या के आधार पर वेंटिलेटर मशीनों की कमी है। साहू परिवार द्वारा दी गई 2 मशीनों से मरीजों को राहत की सांस मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।